हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने थिंकबुक 14G2 ITL लैपटॉप में आप लोग सेकेंड हार्ड ड्राइव या SSD 2.5 SATA SSD या SSD लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक लैपटॉप है जो कि थिंकबुक 14G2 ITL लैपटॉप है। तो ये मॉडल में आपको दो तरीके का रैम मिलता है, जैसे कि एक 8GB ऑनबोर्ड रहता है, एक 4GB ऑनबोर्ड रहता है। बट किसी किसी में हार्ड ड्राइव आता है, किसी किसी में SSD आता है। जैसे कि मैं अभी ये सेकेंड हार्ड ड्राइव की जगह पे जो 2.5 SATA SSD लगाने की जगह पे मैं SSD लगाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप SSD लगाने के लिए देख रहे हैं तो SSD भी लगा सकते हैं आप लोग। जैसे कि हार्ड ड्राइव 2.5 SATA SSD आता है, उस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। ये मेरे पास 2.5 SATA SSD है, आप इसी तरीके से 2.5 SATA SSD लगा सकते हैं, हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। ये हार्ड ड्राइव कम रेट में आ जाता है, लो प्राइस में आता है, और SSD जो रहेगा वो ज़्यादा प्राइस में रहेगा। आपकी मर्जी जैसा, आप हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं और SSD भी लगा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोग को पूरा मदरबोर्ड का दिखाऊंगा कि क्या क्या लगेगा इस लैपटॉप में। जैसे कि अभी इसमें 512GB का SSD 2.2 NVMe लगा हुआ है, जो उसका डायमेंशन है 2242 है। तो इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, जैसे कि 6 स्क्रू दिखा रहा है, 6 स्क्रू ओपन नहीं हो रहा है और 4 स्क्रू ओपन हो गया है। और इसको ऐसा कुछ प्लास्टिक रहेगा तो अच्छे तरीके से इसको ओपन कर लेंगे, नहीं तो स्क्रैच आने का डर रहता है थोड़ा। अगर कुछ इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर वगैरह एंटर कर रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं, उससे खोल रहे तो स्क्रैच आ सकता है। ऐसा कुछ प्लास्टिक रहेगा तो अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कि स्क्रू ड्राइवर से ओपन नहीं होगा, स्क्रू ड्राइवर भी डाल के अंदर से कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन स्क्रैच आने का डर रहता है थोड़ा। मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग मैक्सिमम कितना GB रैम अपग्रेड कर सकते हैं, कितने GB SSD सेकेंड हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हैं, कितने GB M.2 NVMe यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी मेरा लैपटॉप का बैक कवर ओपन हो गया है। इस तरीके से अपना बैक कवर ओपन कर सकते हैं। अगर अपग्रेड करवाना है, अगर आप मुंबई से हैं तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपका लैपटॉप अपग्रेड करके दे सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपका रैम स्लॉट है, जो कि एक ही स्लॉट है इसमें, और पार्ट नंबर के हिसाब से अलग अलग पार्ट नंबर के हिसाब से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि इस लैपटॉप में भी एक ही सिंगल रैम स्लॉट है, और जो 4GB वाला ऑनबोर्ड रहता है उसमें भी सिंगल ही रहेगा, सिंगल स्लॉट रहेगा। जैसे किसी किसी लैपटॉप में 4GB ऑनबोर्ड आ रहा है और किसी किसी में 8GB ऑनबोर्ड आ रहा है। और इस लैपटॉप में 512GB का SSD है और इसमें 8GB ऑनबोर्ड है, 8GB रैम ऑनबोर्ड है। आप लोग इसमें मैक्सिमम आप लोग 40GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब कि पर स्लॉट 32GB का रैम लगा सकते हैं। एक स्लॉट सिर्फ खाली दिया हुआ है, आप लोग 32GB का रैम एक स्लॉट में लगा सकते हैं। वो अगर 4GB के साथ ऑनबोर्ड है तो वो 36GB हो जाएगा, अगर 8GB के साथ है तो 40GB हो जाएगा। आप लोग मैक्सिमम या 32GB का लगाएं, या 16GB का, या 8GB का, या 4GB का लगाएंगे तो ऐसा चलेगा। ये देखिए, आप लोग इस मॉडल में आप लोग सेकेंड हार्ड ड्राइव बढ़ा सकते हैं। आप लोग को मार्केट से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको सेकेंड हार्ड ड्राइव 2.5 SATA SSD या 2.5 SATA SSD आप लोग लेके आएंगे तो आप लोग को और भी मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारे लैपटॉप में ऐसा होता है कि
उसके साथ में ये कवर नहीं दिया रहता है, कनेक्टर नहीं रहता है, वायर नहीं रहता है एसएसडी का सेकेंड हार्ड ड्राइव बढ़ाने के लिए, लेकिन इस लैपटॉप में आपको सब मिल जाता है। सिम मार्केट से आपको 2.5 साटा एसएसडी या एसएसडी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं ये निकाला तो ये डमी हार्ड ड्राइव की जगह पे ये ऐसा लगाया हुआ है, तो इस तरीके से कुछ लगा निकाल सकते हैं और डमी की जगह पे आप ओरिजिनल लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें लगा हुआ है, ये देखिए ये डमी था और ये आपको कनेक्टर भी मिल गया, वायर भी मिल गया, आपको बैक उसका ऊपर का कवर भी मिल गया है, आपको सेकेंड हार्ड ड्राइव या सेकेंड एसएसडी 2.5 साटा एसएसडी मार्केट से मंगाना पड़ेगा अगर आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ये देखिए लग गया ऊपर ऊपर से, ये आप लोग प्लास्टिक लगा सकते हैं, इसका कवर है जो इस स्क्रू पे फिट होता है, तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। से चार स्क्रू है, स्क्रू भी आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि कुछ भी आपको लाने की जरूरत नहीं है मार्केट से, सिर्फ आपको सेकेंड हार्ड ड्राइव 2.5 साटा एसएसडी या 2.5 साटा एसएसडी लगा सकते हैं। और आप लोग को मैं बता दूं कि मैक्सिमम आप लोग सेकेंड हार्ड ड्राइव जो है एसएसडी 2.5 साटा वो आप लोग 2 TB तक बढ़ा सकते हैं, और जो NVMe है उसको भी 2 TB कर सकते हैं। अगर 2 TB NVMe करते हैं तो इसको और 1 TB कर सकते हैं, या 2 TB आप लोग सेकेंड हार्ड ड्राइव को बनाते हैं तो इसको 1 TB कर दें। और रैम के बारे में आप लोग को बताया, अगर आपके लैपटॉप में 4GB रैम है और तो आप लोग 32GB तक का रैम बढ़ा सकते हैं एक स्लॉट में, जैसे कि आपका 4GB है तो 32GB अगर लगाएंगे तो 36GB हो जाएगा। अगर 8GB ऑन बोर्ड है, 8GB का आपका लैपटॉप है 8GB के साथ में, तो आप 40GB तक कर सकते हैं। ये देखिए ये लगा दिया मैंने, ये डमी था, ये देखिए सब लोग 2.5 साटा एसएसडी लगाते हैं, मैंने एसएसडी लगा दिया है थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए, सब फाइल वगैरह अगर रीड राइट करता है तो उसके लिए। देखिए कुछ इस तरीके से पैकअप करेंगे इसका। आप लोग इसमें अगर M.2 NVMe लगाना चाहते हैं तो आप लोग 2242 वाला रैम डायमेंशन वाला भी रैम लगा सकते हैं, सॉरी एसएसडी लगा सकते हैं, और आप लोग 2280 वाला भी लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए अभी ये तरीके से आप लोग फिट कर देंगे, क्योंकि ये 6 स्क्रू ऐसे हैं जो कि ये निकलते नहीं है, उस पर ही लॉक रहता है स्क्रू का, तो उस पर ही अटके रहते हैं, तो निकालने की कोशिश भी मत करो, नहीं तो फिर फिट नहीं होगा, फिट हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं, तो अगर नहीं निकल रहा तो मत निकालो, लॉक रहता है। ये देखिए 6 स्क्रू इस तरीके से जो कि उसी कवर में लगे हुए थे, और 4 स्क्रू जो बाहर से थे बाहर से अलग से हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का स्क्रू है, फिट कर दे रहा हूँ। अगर इस लैपटॉप में आपको विंडोज इंस्टॉल करने का प्रॉब्लम आ रहा है या और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अपग्रेड कैसे करते हैं, तो मेरे चैनल पे ये सब वीडियो हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैंने अभी अपग्रेड तो कर दिया है, 2.5 साटा एसएसडी लगा दिया है, अभी हम लोग बायोस में चेक भी कर लेते हैं कि ये एसएसडी या एसएसडी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और अगर आपके पास नया हार्ड ड्राइव लगाया है या नया एसएसडी लगाया है तो उसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आपको जो सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव दिखता है ना वो दिखेगा नहीं अगर जब तक कि फॉर्मेट नहीं करते आप।
अगर फॉर्मेट कर देंगे तो हो जाएगा। ये देखिए SSD मैंने लगाया है, जो कि यहाँ पे इसका मॉडल वगैरह दिया हुआ है, 1000 GB का है, 1 TB का, और ये सैमसंग का 512 GB का NVMe लगा हुआ है। SSD यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।